मल्लिका रतौर के विधायक डॉक्टर बीएल सैनी जी, इनसे करते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा। विधायक जी, जो दिल्ली में चुनाव है, इसमें कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है, मैं भी 3-4 दिन वहां लगा गया हूँ अभी, और वहां जो मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वहां मुख्य तौर पर मुकाबला जो है आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहेगा। कहने को तो चाहे बीजेपी वाले 100 बात मारते रहें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन बीजेपी की जो पोल है वो खुल चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि ये लोगों को आपस में बिड़ा करके, सांप्रदायिकता का जहर फैला करके इस देश के अंदर सत्ता के अंदर आ गए हैं, और ये बात लंबी चलने वाली नहीं है। और वैसे भी जो भी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी है, जो कट्टरवाद लेकर के आती है, उससे देश तरक्की पे नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान के अंदर कट्टरवाद है, पाकिस्तान की हालत देख लो क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है उनकी, एक सुई तक भी वहाँ नहीं बनती, और लोग जो वहाँ का जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन तो किसी को परमात्मा दे ही ना। अगर इसी प्रकार से ये बीजेपी के लोग इस देश के अंदर भी कट्टरवाद लेकर के आना चाहते हैं, तो यहाँ के हालात भी वैसे हो सकते हैं जैसे पाकिस्तान के हैं। और आज इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं दिल्ली के, वहाँ मुकाबला कांग्रेस में आप पार्टी में रहेगा। भले ही आप पार्टी मोर्चे मार गए, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रहेगी, ये मेरा कहना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री अपने नीतीश कुमार, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और इसके अलावा अलग राज्य से भी दिल्ली के 70 विधानसभा में चुनाव प्रचार बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्या उन्हें अपने उस पर जीत पे कोई विश्वास नहीं है? जीत पे विश्वास उनको है ही नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तभी तो इतनी भारी संख्या के अंदर उन्होंने वहाँ पर हीरो हीरोइनें, कहीं हेमा मालिनी, कहीं पर सनी देओल, कहीं पर कोई सा देओल, वहाँ पर हर एक वहाँ पर मल्ले के अंदर बैठा दिए हैं। अगर विश्वास होता तो फिर इस प्रकार से जो आज वहाँ पर इन्होंने बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो लेकर के आए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस का प्रचार है बड़े बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, यहाँ से हमारे यहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी भी वहाँ प्रचार में लगे हुए हैं, और इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। हरियाणा से जो जिम्मेवारी दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, ये 17 विधानसभा के, और जो वहाँ दिल्ली में देखने वाले, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही कड़ा मुकाबला है। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हरियाणा प्रदेश की शान है। अगर कोई नेता आज की डेट में हरियाणा प्रदेश में है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। खट्टर साहब हो गए, चाहे कोई दूसरे साहब हो गए, उनका इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। आज प्रदेश की जनता जो है हुड्डा साहब का ही नाम लेती है, हुड्डा साहब को ही जानती है, और वो वहाँ प्रचार कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा निकलेगा, सब्र रखिए, सब कुछ ठीक होगा। ये थे हमारे साथ विधायक डॉक्टर बी एल सैनी रतौर के, इनसे चुनावी चर्चा हुई। अब आने वाले 8 फरवरी को वोटें पड़ेंगी, 11 को इसका रिजल्ट आएगा। अब देखने में सामने स्थिति 11 फरवरी को क्लियर हो जाएगी।